नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं हूँ जयपुर में और जयपुर में आया था घूमने के लिए। मेरे साथ में और भी लोग हैं, प्रिंस चंद्रा, सहित सर और सतेंद्र, उसके साथ में प्रिंस भाई का एक और दोस्त है। तो मैं अभी जयपुर में एक जगह पे जा रहा हूँ जिसका नाम है सांभर लेक। वहाँ पर सॉल्ट लेक है, मैं आपको दिखाऊँगा, काफ़ी शानदार है। वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे और अभी मैं जहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, मैं यहाँ का आपको नज़ारा थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो जिस होटल में हूँ उस होटल का ये एक्सटीरियर है, लाइक क्या बोल सकते हैं, बैठने बैठने का जगह जो है काफ़ी शानदार है। ये जो रूम है 516, इसमें मैं और प्रिंस चंद्रा थे और इसमें सत्येंद्र और सहित सर हैं। ये वाला खुला हुआ है, मैं इसमें चल के आपको रूम टूर करता हूँ। ये कौन है? सत्येंद्र। और थोड़ा देखो, ये कचड़ा मचा के रख दिए हैं, ये लोग नहाए धोए हैं और बेड की तो हालत ख़राब ही है। बेड काफ़ी सही था इसका। एक इधर सोफ़ा लगा हुआ है, एक इधर टेबल लगा हुआ है और बहुत बड़ी यहाँ पर विंडो। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिलता है। इधर मैं भी रेडी हो चुका हूँ लेकिन अब मेरी फोटो नहीं ले रहे हैं सनी भाई। मैं इनको बोल बोल के थक गया। देखो कि अपनी फोटो बस खींचे जा रहे हैं और 12 बज चुके हैं। हमें अभी बाहर निकलना था लेकिन ये लोग अपने फोटो से बाज नहीं आ रहे। मैंने सोचा व्लॉग कर देता हूँ। दोस्तों रूम के अंदर की कुछ ए या सीन है। आई होप आप लोग को रूम सही लगा होगा। रूम तो मेरे को भी काफ़ी सही लगा है। यहाँ पर काफ़ी बजट में हमें अच्छा मिल गया। आई थिंक कोविड के वजह से थोड़ा सा प्राइस जो है ना वो कम है। और ये जो भाई दिख रहे हैं ये प्रिंस भाई के साथ में आए हैं, प्रिंस भाई के दोस्त है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर फोटोशूट भी चालू हो गया। देखो ये हमारे भाई साहब सनी भाई साहब फोटो खींच रहे हैं सईद सर जी। एक फोटो का 10 रुपए लगेगा भाई। दोस्त मेरा भी खींच। घंटी बज रही है, मेरे ख्याल से प्रिंस भाई होंगे। देख लो यो ब्रो, कुछ बोलो हमारे हमारे दोस्तों को बोलो। वीडियो लाइक करो प्रिंस भाई। वो मैं एंड में बोलता हूँ। क्या कर रहे थे अभी तक? 12 बज के पूरा सामान पैक कर लिए? बिल्कुल डन है सारा सामान। दोस्त एक फोटो तो खींच दे यार, वही वाली। अरे प्रिंस भाई कह दे सामान पैक करना, मेरा यूं ही पड़ा हुआ है। ठीक है जाओ जाओ। देख सुन लिए गाइस, सनी भाई ने क्या बोला, हम खींचेंगे। हम प्रिंस भाई खींचे। लाइट दिखा रहा हूँ, देखो फोटो खींच रही है। भाई साहब कब कौन क्या बन जाए कोई भरोसा नहीं है। वाह सत्येंद्र, चपले रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है सांभर लेक। तो अभी हम सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। मेरे पास एक बैग था और प्रिंस भाई टिकटोकिया वाली रिंग लाइट लेके आए थे। भाई ये टिकटॉक वाले ने गिफ्ट किया था क्या? नहीं अभी नहीं। अच्छा जरूरत क्या पड़ी थी इसकी? मैंने चार्जर लेके नहीं आए, हमने सोचा कि एक ही दिन में रिटर्न होना है तो चार्जर क्यों ले इस चक्कर में पूरा। ओ, इसको रखो जरा, मेरा वाला है ना, इसको सही से रखना, देखना कहीं टकरा है। वो आपका ही है, मेरे पास किटलेस कहाँ है? आपका हो गया सर, उठा लीजिए। और कहीं भी एक तो सामान एक्स्ट्रा भले आप भर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं कुछ, पैसा पूरा वसूल कर लेंगे। ये मास्क किसका है? और ये सब काउंटर वगैरह चेक कर लो। ये पॉन्ड्स इधर रह गया है, देखो सतेंद्र, ये पॉन्ड्स और एलोवेरा छोड़ के जा रहे थे। और कालीन भैया वाली कालीन है।
जैसा लग रहा है ना स्टेशन पे आके बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे सांबर लेक, वहां पे भी काफी शानदार नजारा आपको मिलेगा, आप देखना बहुत ही शानदार। तो दोस्तों अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं होटल से, अब जाएंगे थोड़ा पेट पूजा होगा फिर उसके बाद निकलेंगे। और भाई लोग इधर चंद्रा साहब ऑर्डर कर रहे हैं कुछ खाने पीने का। हम लोग अभी उस होटल से इस तरह है। हाँ क्या कर रहे हो ग्रुप? मैं बना रहा हूँ चाट बना रहा हूँ। ये सब यार एक दूसरे फास्ट फूड वगैरह मैं तो खाता नहीं, ये शौकीन है भाई साहब अपने। ना मैं पिज्जा खाता हूँ ना बर्गर खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा चख लेता हूँ कभी कभी खाता। मास्क चढ़ा लो सब लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, लेकिन इस बंदे की टोपी गायब हो गई है तो बेचारा परेशान हो गया है, ढूंढ रहा है टोपी कहाँ है। और सर कहाँ जा रहे हैं? चाय पीने, मुंह में डाल दूंगा। और अभी हम लोग सांबर लेक जा रहे थे, उसके बीच में ही एक जगह दिख गया तो वहाँ पे हम रुक गए चाय पीने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी यहीं पे रास्ते में रहेगी क्या? सन्नी के पुप्पा जी मिल गए भाई, कैप मिल गए भाई। अच्छा कैप मिल गया, दिखा दो गाड़ी में। ये देखो भाई, ये सन्नी की पुप्पा जी की प्रसिद्ध कचौरी। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं भूले भटके रास्ते से सांभर लेक की तरफ। ये पूरा इलाका दिख रहा है, लेकिन हमें डाउट है कि भाई यहाँ तो पानी नहीं दिख रहा है, पूरा सूखा सूखा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, पोपट हो गया अपना तो, पूरा सूखा सूखा सा है। दिखाई नहीं दे रहे भाई तो वीडियो। तो दोस्तों इसी जगह के लिए हम लोग आए थे। ब्लर क्यों आ रहा है? शूट चल रहा है और इधर शूट चल रहा है गाइस। भाई ने मत दे देना, लेफ्ट लेके चलो। फोटोग्राफी में देखो मैं चल कर रहे हैं, इनकी शाम हो चुकी है, अब हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ ज्यादा कुछ दिखाने वाला है नहीं, यहाँ पर पीके फिल्म की शायद शूट हुई थी यहाँ पर, मुझे जहाँ तक आ रहा है। मैं स्क्रीन शॉट डाल दूंगा यहाँ पे, आप लोग देख लेना। आई थिंक व्लॉग में ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, हम लोग का पोपट हो गया सीधा सीधा, यहाँ पे पानी भी नहीं है बिल्कुल भी, एकदम सूखा सूखा है। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो इस व्लॉग चैनल को भी। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा मैं उसका व्लॉग बनाकर डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और जहाँ भी रहो मचाते रहो, खुश रहो हमेशा। कुछ भी नहीं दो मैं मारता हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे बाबा।
पांच नंबर इनकी नली टेढ़ी जा रही है मिर्जापुर छोड़ दिए क्या? मिर्जापुर छोड़ दिए गुरु।